हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो मैं उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो आज बिल्कुल हम एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कॉनिक सेक्शन क्लास 11th। देखिए, कॉनिक सेक्शन जो चैप्टर है बहुत गहराई वाला चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इस ये जो चैप्टर है थोड़ा साइंस से रिलेटेड चैप्टर है। जो बच्चे इंजीनियरिंग वाले बच्चे बैठे हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उनको पता सा होगा कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है साइंस के लिहाज से। लेकिन हमारा जो टारगेट रहता है साइंस भी है और कॉमर्स भी है विद मैथ्स, जो बच्चे मैथ्स लेके बैठे हैं, तो हमें दोनों को कवर करना है। तो हम जो एनसीईआरटी को कवर करेंगे ताकि ना कॉमर्स वाले को दिक्कत हो ना ही साइंस वाले को दिक्कत हो। तो हमारा मेन फोकस अभी एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। तो जितना आपके एनसीईआरटी में कवर अप है, जिससे दोनों को कवर अप हो जाए, कॉमर्स वाले भी साइंस वाले भी, हम उतना डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं पहले इसका इंट्रोडक्शन, कॉनिक सेक्शन होता क्या। देख, कौन वर्ड तो ऐसा है जो आप नाइन्थ में पढ़ गए हो, टेंथ में पढ़ गए हो। कौन लाइक क्या होता है? कौन, क्या यही कौन नहीं होता है? एक रेडियस, एक हाइट और एक स्लांट हाइट, इट इज अ कौन। तंबू, लट्टू, बर्थडे कैप, इट इज अ कौन। क्या होता है सारी चीजें, क्या है? कौन। कॉनिक सेक्शंस, हम यहां पर क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो फिक्स्ड है, एल, ठीक है। और यहां पर मैंने एक लाइन और ड्रॉ करी, एम। यहां पर एक एंगल जनरेट हो रहा है, उसे बोलते हैं अल्फा। क्या बोला मैंने? अल्फा, ठीक है। क्या नाम लिखा मैंने इसका? एम। एक लाइन लिया मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और एक क्या है हमारे पास? एम। और एम को मैं मूव करूंगा चारों तरफ। अभी समझ में नहीं आएगा, देखो कैसे। बुक को मैं नीचे रखता हूं और फील करना। ये बेटा एक एल हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट है। और मैंने एक लिया एक एम, और इस एम को मूव कराया चारों तरफ। मतलब ये जो एल एम है ना, ऐसे वो ऐसे मूव होगा, इधर भी ऐसे ऐसे, इधर की तरफ ऐसे मूव होता चला जाएगा। मतलब चारों तरफ ये जो एम है वो मूव करता चला जाएगा। हाँ जी कि ना जी? ये पूरी तरफ राउंड लेगा। तो ये भी चीज़ तो ऐसे हो जाएगी। अगर मैंने देखो इसको मूव कराया इधर की तरफ, तो ये नीचे वाला हिस्सा भी तो इधर की तरफ आ रहा है ना। फील करो, आप जितना इसे 2D पे देखोगे ना, आप देखो 3D में समझना, आप इसे मूव करते गए, आप ऐसे लेते आ गए, तो ये नीचे वाला हिस्सा देखो इस तरफ आ गया है, तो ये भी तो मूव करेगा। हाँ है ना? यस। और अगर मैं इसको मिला दूं, तो क्या बन जाएगा? और मैं इसको से ज्वाइन करूं, तो क्या कहोगे कि सर ये दोस्त कौन बन गए हैं? हाँ या ना? कैसे बेटा? एक कौन तो है ऊपर की साइड और एक कौन है नीचे, अपोजिट में यही तो है। एक कौन ऊपर बना और एक कौन उल्टा कौन है, इसे बोलेंगे हम डबल डबल नूप कौन, डबल नैप नैप्ड कोन। डबल नैप्ड क्यों है? क्योंकि एक कोन ऊपर और एक कोन नीचे, इसलिए क्या नाम दिया इसको? डबल नैप्ड कोन। तो आपने पूरी गहराई समझ में आया कि एक लाइन तो बिल्कुल फिक्स्ड है और एक लाइन को मैं क्या कर रहा हूँ? मूव करा रहा हूँ चारों तरफ। तो एक डबल कोन बन जाता है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। पहली बार इसके अंदर मैं दोबारा फिगर को ड्रॉ करूंगा। समझ में आया बेटा? ये जो लाइन जा रही है ना, ये लाइन, इस लाइन का नाम है एक्सिस, जो बिल्कुल फिक्स्ड है। क्या नाम है इसका? एक्सिस। और इस वाली जो लाइन है जो मूव कर रही है एम, इसमें जो एम था उसे क्या बोलेंगे हम? जनरेटर। यस या नो? इससे एक्सिस और इसे जनरेटर, जनरेटर मूव करते हैं। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना बेटा, वो किस तरह, कितना एंगल होगा वो? अल्फा का। कितना एंगल है वो? अल्फा। समझ में आया यहां तक? अब आपने क्या किया, इस कॉनिक सेक्शन को एक प्लेन काटता है, कट करेगा। अब देखो, प्लेन ऐसे भी कट कर सकता है, लाइक प्लेन ऐसे भी कट कर सकता है बिल्कुल स्ट्रेट में,
प्लेन ऐसे भी कट कर सकता है, ठीक है ना, और प्लेन बिल्कुल थोड़ा सा इधर भी मूव कर सकता है, काफी ज्यादा कट कर सकता है, कई डिफरेंट तरीके से प्लेन कट करता है। तो जहां से प्लेन कट करेगा वहां से कुछ फिगर ड्रॉ हो जाएगी। एक होता है सर्कल ड्रॉ होगा, एक पैराबोला, एक हाइपरबोला और एक इलिप्स। तो देखो क्या क्या बन सकता है, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। तो एक प्लेन का इंटरसेक्शन होता है किसके साथ, कोण के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे। एक लाइन इसके पीछे मैं लिखूंगा, उसे लिखना, इफ वी टेक द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन विद अ कोन, द सेक्शन ऑब्टेन सो ऑब्टेन इज कॉल्ड कॉनिक सेक्शन, कॉनिक सेक्शन। याद रहेगा, देखो इफ वी टेक द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन, अगर मैं प्लेन का इंटरसेक्शन किससे करता हूं, कोन के साथ, तो क्या बन जाता है, सेक्शन इज ऑब्टेन इज कॉल्ड कॉनिक सेक्शन। पहले आप इसे नोट करो फिर देखते हैं आगे। अब ध्यान दो, मैंने इस फिगर को कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया अभी, ठीक है। इसको मैं और आगे तक लेके जाता हूं, बट यहां पे जो एंगल बन रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, अल्फा। एक प्लेन ने क्या किया, बिल्कुल स्ट्रेट जाके काटा किसे, कॉनिक सेक्शन को कट करता है। और यहां पर जो ऑब्टेन एंगल बनता है ना, देखो आप इसमें बुक में भी देख सकते हैं, ऊपर जो एंगल बन रहा है ना इस जगह, यहां पर कितने एंगल बन रहा है, इसे बोलेंगे बीटा। क्या एंगल किया मैंने इसे, बीटा। तो यहां पर देखो जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब एक प्लेन स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट काटता है किसी कॉनिक सेक्शन को, तो जो एंगल क्रिएट होगा वो कैसा एंगल होगा, 90 डिग्री का। देयरफॉर क्या मिल जाएगा मुझे इससे, सर्कल। वी ऑब्टेन सर्कल। अगर ये तो नंबर वन था, नंबर टू का यहां ध्यान देना, एक डबल नेप्ड कोन बनाएंगे, ठीक है, एंगल कौन सा है, अल्फा। और अगर इस बार ना थोड़ा सा ना क्रॉस में कट करता है, हल्का सा टेढ़ा होके, देखो जैसे इस तरीके से लाइक थोड़ा सा कर्व जाता है, तो यहां पर जो एंगल मुझे वो मिल रहा है इस तरीके का, ठीक है। इस वाली फिगर को क्या बोलेंगे हम, वी ऑब्टेन इलिप्स। अब देखो इलिप्स क्यों मिला है, सबसे पहले ध्यान देना, इलिप्स जो ये एंगल बनता है बीटा, बीटा मोर देन अल्फा, ये जो एंगल होगा वो अल्फा से ज्यादा होगा पहली बार, और लेस देन 90 डिग्री, और लेस देन 90 डिग्री। तो जो अगर बीटा अल्फा से तो ज्यादा है लेकिन 90 से छोटा है, तो कौन सा हमें क्या मिल रहा है इससे, इलिप्स। तो देखो इलिप्स ने इस बार ना पूरा स्ट्रेट नहीं काटा, अगर स्ट्रेट काट देगा तो क्या मिल जाएगा, सर्कल, थोड़ा सा हल्का टेढ़ा होकर काटा है उसने, हल्का सा देखो बैंड हो गया। आपको बस इसमें इमेज को गहराई समझनी है, अगर यहां समझ में आ जाएगा ना काम चल जाएगा। क्या मिल गया बेटा इससे मुझे, सर्कल। यहां क्या मिल गया, इलिप्स। नंबर थ्री, ठीक है, बना सकते हैं उसको ऐसे, बना दिया, ये क्या है, अल्फा। इस बार देखो इसकी गहराई समझना,
इसमें बहुत ज्यादा बेंड हो गया, ऐसे यहां से कट कर रहा है, इस जगह यहां पर जो बन रहा है ना उसे क्या बोलेंगे हम, ऐसे बनाई दे रहा है, यहां पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है इसे हम बोलेंगे वी ऑब्टेन पैराबोला। पैराबोला यहां पर क्या मिल गया मुझे, बीटा। अब देखो बीटा की कंडीशन क्या कहना चाह रहा है, अगर मेरा जो अल्फा है वो बीटा के इक्वल है, जितना एंगल यहां क्रिएट हो रहा है वो एंगल कहां क्रिएट हो रहा है, इस जगह, क्या मिल जाएगा मुझे, पैराबोला। और नंबर चार लास्ट, नंबर फोर्थ पे यहां ध्यान देना, आप डबल लेफ्ट कोण किसी तरह से बना लो, पहले एक कोण बना लो ऊपर एक कोण नीचे कर दो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बेटा यहां पर अल्फा, इस बार ना देखो तो पहले स्ट्रेट काटा तो सर्कल मिला, थोड़ा सा बेंड हो गया तो मुझे इलिप्स मिल गया, इस बार काफी ज्यादा बेंड हो गया तो क्या मिल गया, पैराबोला मिल गया, लेकिन इस बार वो इस ऐसे तरीके से कट कर रहा है तो मुझे देखो क्या मिल गया। अभी से देखो बुक में ध्यान देना, आपको डबल इमेज मिल जाएगी, एक ऐसे मिल जाएगा और एक इधर की तरफ, दो कट हो गए ना, एक कट तो देखो यहां से कट गया और एक कोण का हिस्सा ये वाला कट गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, हाइपरबोला। वी ऑब्टेन हाइपरबोला, हाइपरबोला। और हाइपरबोला के लिए देखो कंडीशन क्या बता रहा है, जो बीटा होना चाहिए मोर देन इक्वल जीरो, बीटा जीरो से इक्वल ज्यादा होना चाहिए और लेस देन अल्फा। बीटा कहां क्रिएट हो रहा है, इस जगह, कोई डाउट यहां तक, वी ऑब्टेन हाइपरबोला अगर बीटा मोर देन इक्वल जीरो और लेस देन अल्फा। तो यहां पर जो लाइन दिखाई दे रही है ये जो एंगल बन रहा है बीटा, बीटा किससे छोटा होना चाहिए, अल्फा से, तो क्या मिल जाता है, हाइपरबोला। तो ये चार कंडीशन आपको जो है आपको सिलेबस में पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इन चारों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको मैंने बताया, फील कराया कि चारों इमेज बन कैसे रही है, अभी हम इसको इंडिविजुअल करके पढ़ेंगे, सर्कल्स को, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इसके अलग अलग एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इतना समझ में आया कि फिगर बन कैसे रही है, ऑब्टेन कैसे हो रही है, इसे नोट करो।